वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक होम रेमेडी, एक फेस पैक। अगर आपके फेस पर पिंपल्स हैं, जाइया है और दाग धब्बे हैं, तो ये फेस पैक आपके फेस से सारे पिंपल्स दाग धब्बों को हटाने में बहुत हेल्प करेगा। सो चलिए बनाते हैं फेस पैक। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड चलिए फेस पैक को बनाते हैं। सो फ्रेंड, फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए पपीता के कुछ टुकड़े, और हम पपीता के जो बीज होते हैं उसका भी यूज़ करेंगे। इसके लिए हम एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें पपीता का जो टुकड़ा है उसको डालेंगे और बीज को भी मिक्स करेंगे और अच्छे से ग्राइंड करके इसका अच्छा पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। बस इसमें हम अब ऐड करेंगे एक चम्मच बेसन। आप चाहे तो मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, या फिर गेहूं का आटा भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसन मिक्स कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा फेस पैक रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड देखिए ये हमारा फेस पैक रेडी हो चुका है। अब हमें इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। सो फ्रेंड, अब मैं अपने फेस पे जो फेस पैक बनाया था उसको अप्लाई कर लेती हूँ। तो मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है। जब भी आप फेस पैक बनाते हैं और उसको अप्लाई करने से पहले फेस को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, या तो आप गुलाब जल से कॉटन पे गुलाब जल लेकर थोड़ा सा अपने फेस को क्लीन कर ले, या फिर आप नॉर्मल वाटर से भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। अब मैं इस फेस पैक को अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ और 10 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, दैन वॉश करेंगे फेस को। तो जल्दी से मैं अपने हाथों से इसको अप्लाई कर लेती हूँ। सो फ्रेंड, मैंने इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। 10 मिनट तक मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, देन फेस वॉश कर लेंगे हम। तो मैं मिलती हूँ फेस वॉश करने के बाद। 10 मिनट तक इसे हमको ऐसे ही छोड़ना है। सो फ्रेंड, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और मैं आपको बताती हूँ, मैंने कोई कुछ भी नहीं लगाया है, मैं जस्ट फेस वॉश करके ही आई हूँ और आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड, ऐसा नहीं कि कोई भी होम रेमेडी या फिर कोई भी फेस पैक लगा लेते हैं एक ही बार लगाने से आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको उसको कम से कम वीक में एक या दो बार या फिर तीन बार आप ट्राई करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। सो आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।